हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड एक्सपो। आज मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल केक, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एप्पल लिया है। इसको बहुत ही पतले स्लाइसेस में हमें राउंड फॉर्म में काट लेना है। आप चाहे तो इसको बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने दालचीनी का पाउडर ऐड किया है। ये एप्पल केक में बहुत ही ज़रूरी इन्ग्रीडियंट्स हैं। दालचीनी के पाउडर को इस तरीके से सारे एप्पल्स में आप अच्छी तरीके से कोट कर लीजिए। साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए 1 टीस्पून ऑफ शुगर। ये शुगर को भी मैं इस तरीके से कोट कर रही हूँ। आप इसमें पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। शुगर और दालचीनी के साथ कोट करने के बाद इस एप्पल को हमें थोड़ी देर के लिए कैरमलाइज करना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और सारे एप्पल्स को यहाँ पर मैं इस तरीके से मध्यम आँच में इसे थोड़ी देर के लिए कुक करूँगी। एप्पल्स को पकने में 2 से 3 मिनट लगेगा। जब ये जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हमें तब तक इसे गैस में रखना है। हम बैटर की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में 1/2 कप शक्कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जायफल का पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ जायफल यहाँ पे मैंने लिया है, इसको आप डालेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून ऑफ यहाँ पे मुझे दालचीनी पाउडर चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ दूध। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लें। हमें 2 से 3 बार इसे चलाना है और इसे ब्लेंड करना है। अब रेडी करते हैं ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा एंड फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हमें 1 चम्मच लेना है बेकिंग सोडा का और 1/2 चम्मच उसी सेम चम्मच का हमें लेना है बेकिंग पाउडर का। छानने के बाद अब इसमें हम ये बैटर ऐड करेंगे। बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली हमें इसे मिक्स करना है। ड्राई और दोनों वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कोशिश ये करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना बचे। अब इस मिक्सचर में हमने 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसे भी हम छान लेंगे और इसको इस बैटर में ऐड करके इसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से बैटर की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 1 से 2 मिनट बाद हम मिक्स कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैटर है वो थोड़ा थिक है। इसमें मैं 1/2 कप ऑफ ऑयल, कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो ऑयल यूज़ करना है जिसमें कोई स्मेल ना हो। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ बारीक कटे हुए एप्पल्स। आप इसमें एप्पल्स को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैं इसमें चॉप करके थोड़े छोटे छोटे साइजेस में डाल रही हूँ। अच्छी तरीके से इस बैटर को मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए हमें इसमें ज़्यादा इसे फेंटना नहीं है। अब मैं एक बेकिंग मोल्ड ले रही हूँ जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं ये जो हमने कैरमलाइज वाले एप्पल लिए थे उसको सबसे पहले मैं यहाँ बॉटम में रखूँगी। आप इस तरीके से बॉटम में एप्पल का एक बेस रख दें। अब इस एप्पल के बेस के ऊपर मैं बैटर को ऐड कर रही हूँ। एक लेयर हमने एप्पल का बॉटम में रखा है, उसके ऊपर मैंने ये बैटर डाला है। अब इसके ऊपर हम वापस से कैरमलाइज वाले एप्पल को डेकोर करेंगे। इस तरीके से हमने एप्पल्स का एक लेयर बिछाया। फिर उसके बाद हमारा रिमेनिंग जो बैटर है मैं उसको डाल रही हूँ। इस टाइम पे मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। अब जैसे ही मेरा ओवन प्री हीट हो जाएगा, अब मैं इसको 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। आफ्टर 30 मिनट्स इसे हमें ठंडा होने के लिए 1/2 घंटा वापस से रखना है। उसके बाद ही आप इसे निकालें और डीमोल्ड करें। आप चाहे तो इसको इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। मैं पर इस पे न्यूटेला का एक आइसिंग कोट लगाऊंगी। न्यूटेला के साथ इसे मैं अच्छी तरीके से कवर करूंगी और इसमें एडाइबल गोल्डन ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा हमारे केक को डिज़ाइन भी मिल जाएगा और न्यूटेला के साथ एक अच्छा सा एक डेकोरेशन भी हो जाएगा।